खबर युगली करते हैं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर यूपी तक, हमें गजेंद्र सिंह राठौर। आज खबर यूपी तक की टीम महाराजपुर विधानसभा अंतर्गत आई है और हम लोगों का एक प्रयास रहता है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें जनता का क्या मन है, जनता क्या चाहती है, किसको इस बार का ताज, जो विधानसभा महाराजपुर का ताज है, वो किसके सर माथे रखना चाहती है। तो इसी के साथ हम आपको मिलवा रहे हैं, हीरापुर टपरियन ग्राम में आए हुए हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप देख रहे हैं खबर यूपी तक से लाइव। तो चलिए मेरे साथ, मैं मिलवाता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? दीप सिंह यादव। अभी आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है और आपके विधानसभा महाराजपुर में काफी प्रत्याशी देखने को मिल रहे हैं, नए नए चेहरे भी आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि प्रत्याशी चाहे जो हो, लेकिन कांग्रेस आए। मतलब आप 15 साल होगा बीजेपी पर, कहां लोगों ने बताओ, वो तो एक बीच की बीच सिंधिया है, मैं जनता लागी तो इनका कहना है कि अभी 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में राज है और महाराजपुर विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, इनका एक सीधा सीधा सवाल है। और भी लोग बागे हैं, उनसे भी मिलवाए। क्या नाम है आपका? हरिचंद यादव। क्या कहना चाहेंगे, आपके यहाँ चुनाव आ रहा है, किसको जिता रहे हैं इस बार? आप देखो, जिसका बहुमत दिखे उसी के जीता मरेगा। अभी विचार नहीं बनाया आपने? अभी कोई विचार नहीं बनाया, जिसका बढ़िया बहुमत होगा उसी की तरफ चले जाएंगे। देखो भैया का स्पष्ट कहना है कि जिसका, क्या नाम है आपका? मुकेश। क्या कहना चाहेंगे, आपके यहाँ चुनाव आ गया है, इस बार तो नए नए चेहरे आ रहे हैं आपकी विधानसभा में? हाँ, तो हम तो सपा के कट्टर हैं। साइकिल चलाने दम से, इनको क्या वो है साइकिल चलाने दम से? क्या नाम आपको? श्याम पाल। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी से अच्छी कोई सरकार ही नहीं है, हमारे दास से बेई आने हैं और बेई आगे भी रहे, क्योंकि मोदी को काम ही ऐसा है। देखो भारतीय जनता पार्टी का, अब मुझे लगता है मैं इन लोगों के बीच में बैठ के बात करूं तो अच्छा रहेगा। देखो क्या नाम है? कैलाश पाल। क्या कहना चाहेंगे आपका? हम तो यही चाहेंगे कि बीजेपी बन जाए, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर हो। तो उसमें गुंडा राज भी चला गया है और बढ़िया हिंदू धर्म हमको वोट दिए है, वो अच्छा है। ये तो भाई अपने दिल की बात कही, भारतीय जनता पार्टी में गुंडा राज चला गया, इनका सीधा सीधा कहना है। आपका क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे? तो इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रहे हो क्या? पक्का? कुछ नहीं किया है दोनों सरकार ने, कांग्रेस बनी पहले तो नहीं हुआ कुछ, और बीजेपी है तो नहीं हुआ कुछ। तो अभी 15 साल से 20 साल से तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है मध्य प्रदेश में और आपके महाराजपुर विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा है, तो क्या आपको जी नहीं लगा? आपका जो कांग्रेस की विधायक है नीरज दीक्षित जी, उन्होंने भी तो कारार बढ़िया करवाए होंगे प्रकाश? कुछ नहीं, जो बनाया कुछ नहीं, आपको वो पानी भी दिखवाएंगे यहाँ का, आपको वो पानी भी दिखवाएंगे कांग्रेस के विधायक नीरज दीक्षित महाराजपुर विधानसभा से। तो इनका स्पष्ट कहना है कि उनने कुछ नहीं करवाया है, जे है पानी तो हम उसको, उसका दृश्य भी आपको दिखवाएंगे, जे इन भैया की पीड़ा है। और क्या कहना चाहेंगे आप? और बस कुछ नहीं। तो आप यहाँ आपके गांव में कीचड़ी के नाली आली नहीं है क्या? कुछ नहीं है, कहाँ पर नाली आपको भैया का कहना, और भी लोग आगे हैं, फटाफट मिलते हैं क्योंकि लाइव चल रहा है। क्या नाम है भैया? क्या कहना चाहेंगे आपका मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव क्या है एक के माहौल, ग्राम जीरो की रिपोर्ट का मतलब होता है जनता का माहौल, जनता का माहौल क्या कह रहा है? तो इसमें कोई समाजवादी का सपोर्ट करते नजर आ रहा है, कोई आम आदमी पार्टी का, कोई समाजवादी पार्टी का, और भी लोग। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे?
पक्का ए बात बगल की है जो हमारे बगीचा क्या नाम है आपको वो तो भाई देखो मतलब यहाँ से ये चीज निकल के आई है कोई भारतीय जनता पार्टी का है कोई कांग्रेस का है कोई आम आदमी पार्टी का है कोई समाजवादी पार्टी व्यक्तियों के मन की राज ये है कोई कहता भारतीय जनता पार्टी में अच्छा कार्य हुआ कोई कहता कांग्रेस में तो आप देखना होगा कि महाराजपुर विधानसभा में इस बार किसको बहुमत मिलता है कौन इस बार विधायक बन के भोपाल जाता है। इसी के साथ हम लाइव प्रसारण बंद करते हैं फिर किसी खबर के साथ आप लोगों के बीच मौजूद होंगे।